आजाद नवाब कोटी का जो बड़ी हस्तियां हैं दादा पीर हैं इनके और श्री फिर शास्त्र श्री ये ख्वाजा नवाब कोटी का ऐसा कमाल है ये ख्वाजा मोहम्मद असलम का ऐसा कमाल है ये रहमत भरी फिजा नूरे यकीन मिला है दरबार असलमी में नूरे यकीन मिला है दरबार असलमी में जिस वेले तशरीफ ले आया कुल आलम दा ए वाली बरगे कासे खाली कदरी औलाद दा मां प्यो जाने की जाने लो बेगाना कदर हुसैन दा ए फातिमा जाने कदर हुसैन दा ए फातिमा जाने या जाने हुसैन दा नाना बाद लोग समझते होंगे कि ये पीरों की बड़ी तारीफ करते हैं, पीरों की बड़ी तारीफ करते हैं। अरे पीरों की तारीफ हम क्या करेंगे, अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की तारीफ की। कुरान बड़ा बड़ा है। एक मिसाल देता हूँ, हदीस में आता है कि एक बंदे ने 99 कत्ल कर दिए, 99 कत्ल करके फिर वो जाता है किसी के पास। अब यहाँ शाह साहब मौजूद हैं आलम दीन, तो मैं समझता हूँ अपने तौर पर जो मेरा नॉलेज है कि यहाँ डंडी मारी जाती है। वो किसी आलम के पास गया, आम आदमी के पास जाने की जरूरत क्या, जाना वहीं होता है जहाँ को बख्शे का सबब बनता हो। वो गया, उसने कहा कि मैंने इतने कत्ल किए हैं, तो उन्होंने कहा गेट आउट फ्रॉम हियर, एक कत्ल का बदला दो जगह है तू नहीं कर रहा। उन्हें उन्होंने उधर भी कत्ल ला दिया। अब 100 पूरे हो गए, 100 पूरे हो गए, फिर भी अल्लाह की तरफ से जब बख्शिश होती है अल्लाह ही दिल में डालता है। अब उसको चाहिए था मस्जिद में जाता सीधा, है ना, या कोई और वो काम करता है ऐसा, लेकिन मस्जिद की तरफ नहीं गया। मेरा नहीं मतलब कोई अच्छा काम किया है, मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला बता रहा है मस्जिद मेरा घर है बात के लिए, लेकिन मुझे राजी करना है तो फिर मेरे अल्लाह के बंदे के पास जाना। अब किसी ने बताया, मौलवा साहब का काम हो गया, किसी ने बताया कि फला जगह एक बस्ती है वहाँ एक अल्लाह वाला है, तो क्या समझते हो जिसने बताया था वह अल्लाह का बंदा है, क्या वो अल्लाह का बंदा नहीं था, वो भी कामल वली था। लेकिन आप हम कहते हैं कि मैं ही वली हूँ, दूसरा कहता है नहीं मैं वली हूँ, ये मार खा गया। अब जिसको वली वली कहता है वो कहता है मैं कुछ नहीं, ये मुझे बेहतर है। तो वहां जनाब उसने सफर किया, जाना शुरू कर दिया, रास्ते में आपने सुना हुआ रास्ते में गिर पड़ा कोई सांप डस गया, क्या हुआ, बड़ा डेथ हो गया। अब फरिश्ते आगे जन्नत वाले भी दोस्त वाले भी, उन्होंने कहा हाँ जी दोस्त में जाना है, दूसरे कहते नहीं जन्नत में जाना है। अल्लाह की बारगाह में केस क्या, ये हदीस है कोई रिवायत ऐसी नहीं है, कोई बनावट नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों क्या बात है तुम झगड़ते हो, कहा या बारी ताला ये 100 कत्ल करके फिर माफी मांगता है, इसको दोस्त में डालना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया बिल्कुल ये ठीक है, ये हकदार इस चीज का। दूसरे ने पूछा हाँ भाई तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, कहा या अल्लाह ये तो देख कि तेरे बंदे की तरफ जा रहा है बख्शिश के लिए, तेरे बंदे की तरफ। अब अल्लाह ये तुमने कह रहा है हाँ बंदे को जाओ जी मैं बख्श दूंगा, अल्लाह ने बहाना बनाया, फरमाया ऐसे करो जमीन नाप लो, अगर मेरे बंदे की तरफ फासला ज्यादा है तो जन्नत में जाएगा, अगर पीछे है तो दोजख में जाएगा। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया थोड़ी सुंगड़ जा, मेरे बंदे का मामला है, रहमत का सदका, तो अल्लाह ताला ने उसको बख्शा। तो क्यों बख्शा, फिर हम उस बंदे की तारीफ ना करें, वो अल्लाह का बंदा था ना, अल्लाह का वली था ना। यही बात मेरे दोस्तों, अगर आपका मुर्शिद आपको सर से लेके पांव तक
तुम्हारी जिंदगी बदल दे तो वो अल्लाह का वली है, अगर नहीं तो वो फराकी आदमी है।